हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, एक और बार आपके लिए यहां पे लेकर आए हैं एक लाइट सेक्शन का एक सोल्यूशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है। ये जो है यूनिवर्सल तरीका है फ्रेंड्स, इसी तरह का सर्किट होता है। चाहे आप बॉल आईसी ले लें, या लेग आईसी ले लें, या फिर आप ओल्ड वाला 6 लेग वाला आईसी ले लें, तो सब में आपको सिमिलर ही सर्किट मिलेगा, जिसमें एक आईसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक बूस्ट कॉइल, और एक सीरीज में एक रेक्टिफायर डायोड, और एक लोड कैप। ये चार चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। इसके अलावा ये तो हो गए कंपोनेंट। अब आती है बारी सप्लाईओं की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक वीपीएस सप्लाई यहाँ पे चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बैटरी सोर्स ले आया। हालांकि आप डीसी टू डीसी के बाद ये आईसी से डीसी टू डीसी से वीपीएस सप्लाई निकल करें के कॉइल के थ्रू आईसी में जाती हैं, और कॉइल के बूस्ट कॉइल के दूसरा सिरा जो है वो आईसी के अंदर स्विचिंग के लिए चला जाता है, और वही लाइन हमारी डायोड के एनोड सिरे के साथ कनेक्ट होती है। और अगर आप जब बूस्ट वोल्टेज चेक करेंगे, तो यहाँ पे स्विचिंग होने के बाद डायोड इसलिए लगाया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि एसी के पल्स यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, और उसको डायोड के बाद जो माइनस का सिरा होता है डायोड का, कैथोड सिरे पे जो लोड कैप आपका लग के है, वहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको बूस्ट वोल्टेज मिल जाएंगे, जो कि 16 से 40 के बीच में आपके अलग अलग आईसी के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग डिस्प्ले के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितना वोल्टेज चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे सप्लाई दूसरी सप्लाई जो कि हमारी ग्राउंड पिन है, और जो 5वें नंबर पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारी पीडब्ल्यूएम सिग्नल होता है। ये पल्स विड्थ मॉड्यूल, जहाँ पे 010101 इस तरह से यहाँ पे स्विचिंग कराई जाती है, और यहाँ पे पल्स आते हैं आपके कनेक्टर से, ये कनेक्ट होती है लाइन। और इस वाली आईसी में पावर आईसी से यहाँ पे आपको कनेक्ट होती है ये लाइन। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 0.8 से लेके 1 वोल्ट के आसपास, 1.8 के आसपास आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा। और यहाँ पे जब आप डिस्प्ले कनेक्ट कर दोगे, तो यही वो लाइन है फ्रेंड, जिससे आपकी आईसी आपका बूस्ट वोल्टेज बनाती है। इसके अलावा आप देखेंगे सीएबीसी कहीं लिखकर मिलेगा आपको, कंटेंट एडेप्टिव ब्राइटनेस कंट्रोल, या फिर पीडब्ल्यूएम पल्स विथ मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, इसका हमने सारी चीज़ आपको लाइव क्लास में चेक करके बताते हैं डीएसओ वगैरह से। बाकी फ्रेंड्स, ये एक यूनिवर्सल तरीका है लाइट सेक्शन में कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं, ये एक बताने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैथोड पिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि फीडबैक की पिन होती है। और यहाँ पे एक रेजिस्टर जो कि 5 ओम से 10 ओम्स का आपको पैरेलल में मिलेगा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे रेजिस्टर नहीं रहेगा तो आपका कैथोड में आपको ग्राउंड ना मिलने के कारण एलईडी नहीं जलेगी, आपकी डिस्प्ले नहीं जलेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, चाहे वीपीएस वोल्टेज हो, या फिर आपका ग्राउंड पिन हो, या फिर आपका पीडब्ल्यूएम लाइन हो, सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। सब चीज़ आपको देखना है। कनेक्टर भी कभी ख़राब हो जाता है, या फिर कभी आपको आईसी ख़राब हो जाती है, या कोई पिने डैमेज हो जाती है, सारी चीज़ें आपको देखना है। तो इससे आप चेक करिए, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइट आईसी आती है। D8 12 वॉल की आती है, और 9 वॉल की एक आईसी आती है आपको। इसके अलावा सैमसंग में सुपर AMOLED में आपको 16 लेग का आईसी मिलता है, 26-25 लेग का है, 25 वॉल का आईसी मिलता है। अलग अलग आईसियाँ होती हैं बहुत सारी, MediaTek में कुछ अलग होती हैं, Qualcomm में कुछ अलग होती हैं। तो आपको लाइव क्लास के अंदर सारी चीज़ बताई जाती है, कहाँ पे कौन सा आईसी का कौन सा सप्लाई कहाँ पे आना है। तो एक छोटी सी कोशिश की गई है आपको अच्छे से समझाने की। अगर वीडियो अच्छा लगा, ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो समझ के लाते रहेंगे आपके लिए। कोशिश करते हैं आपको अच्छे से समझाने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, देखते रहिए फोन फिक्स हैदराबाद की यूट्यूब चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।